अच्छा जी, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ओ पी एस हमारा एक ट्राइंगल हो गया। अब ये वाला ए जो है ये एक साइड की लेंथ है, ये वाला बी जो है इस साइड की लेंथ है, ये वाला आर इस साइड की लेंथ है। अगर मैं ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन अगर अप्लाई करूँ इसके ऊपर, तो आर स्क्वायर, आर कोई भी एक साइड की लेंथ है ना, ये देखो जहाँ पर ये ए आ रहा है तो वहाँ पर ए कहीं पर नहीं आ रहा, सब जगह बी, बाकी दो साइडें आ रही हैं। अगर ए साइड की बात करो तो एंगल ए का आ रहा है, बाकी साइडें सारी दूसरी आ रही बी और सी। सी बी साइड की बात कर रहे हो तो एंगल बी आ रहा है और बाकी साइडें तो दूसरी आ रही है, कॉस सब में लग रहा है। तो अगर ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ, इस ट्राइंगल ओ पी एस में, ओ पी एस में अप्लाई करूँ, तो आर, आर स्क्वायर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस साइड की बात कर रहा हूँ आर की, आर स्क्वायर की लेंथ बराबर हो जाएगी ए स्क्वायर इस साइड के प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस टू ए बी, ए बी कॉस ऑफ एंगल आर होना चाहिए, एंगल आर कौन सा है हमारा, ओ पी एस, ओ पी एस यानी आर के साथ अपोजिट वाला एंगल जो है, ठीक है ना, ए के अपोजिट वाला एंगल, ए साइड के अपोजिट वाला एंगल, ए साइड के अपोजिट वाला एंगल ए, तो आर के अपोजिट वाला, आर साइड के अपोजिट वाला एंगल पी है। इसको पी कहो या ओ पी एस कहो इसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बताया ना, ये तो बता चुका हूँ मैट्रिक में, ओ पी एस कहो तो इसका लिप्स की बात कर रहे हो या सिर्फ पी कहो। तो हमने कहा ये लॉ ऑफ कोसाइन अगर अप्लाई करोगे अगर इसमें, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर ये तो आर स्क्वायर हो गया ना, अब मैं सिर्फ आर की लेंथ निकालनी है, आर बराबर हो जाएगा रूट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लोगे, ओ स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लोगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट से आर इस बात आर बच जाएगा और ये रूट के अंदर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, एंगल एस पी एक्स, एंगल एस पी एक्स कहाँ है इसके अंदर, अच्छा अब ये एक बार उन्होंने बताया, ये एंगल एस पी एक्स जो है अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो इसको मैंने लिया हुआ एंगल थीटा, ठीक है, इसको मैंने एंगल थीटा लिया हुआ है। अब यहाँ से पूरा मैं यूँ बनाऊँ तो कितना एंगल होगा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, अब यहाँ से पूरा मैं यूँ बनाऊँ तो कितना एंगल होगा 180, और यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना थीटा लिया हुआ है ना मैंने, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मैंने बोला मैं थीटा सपोज किया हुआ है, निशान लगा लिया, याद करना शुरू करो, कोई एक सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकलेगा, ये पूरा 180 है, 180 में से ये थीटा निकालो ये निकल के आ जाएगा अंदर वाला, समझ आ रहा है ना बात। तो हम कहेंगे एंगल एस पी एक्स इक्वल टू, हमने एस पी एक्स ले लिया, एस पी एक्स थीटा ले लिया, तो अगर ओ पी एस एंगल किसके बराबर होगा, ओ पी एस ये किसके बराबर आ गया 180 माइनस थीटा, आ गया 180 माइनस थीटा, ठीक है, और एंगल ओ पी एस बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या लग रहा है, कॉस ऑफ एंगल ओ पी एस है ना, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो अब आपके फर्स्ट ईयर की मैथ में अभी तो पढ़ा नहीं है आपने, अब आगे आएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस कोई एंगल होता है बराबर होता है माइनस कॉस ऑफ दिस एंगल के, ये एक फार्मूला है जो फर्स्ट ईयर की मैथ में भी पढ़ोगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे फर्स्ट ईयर की मैथ में तब ये पढ़ोगे, कॉस ऑफ 180 माइनस एंगल जो भी एंगल होता है वो बराबर होता है माइनस कॉस ऑफ एंगल जो भी एंगल होगा, अगर यहाँ पर लिखा होता 180 माइनस 30 तो इसका आंसर होता माइनस कॉस 30, समझ आ गई बात, ये दैट इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन हमारी जो है कहाँ गई हमारी इक्वेशन वन, ये हमारी इक्वेशन वन इन्होंने बनाया नहीं है ये, ठीक है, इक्वेशन मैंने आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और एंगल कॉस एंगल ओ पी एस, कॉस ऑफ एंगल ओ पी एस कितना हो गया माइनस कॉस ऑफ माइनस, हाँ देखो ये भाई ये कॉस ऑफ एंगल ओ पी एस जो है किसके बराबर आ रहा है, कॉस ऑफ एंगल माइनस के बराबर है, ये इसका माइनस और इसका माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस और ओडी किसका होता है कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया आपका, ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन है, समझ आ गई बात, ये मुड़ मुड़ कर देखना, समझ आई, ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन, कुछ पूछना है इसमें, अच्छा अब लॉ ऑफ साइन हमारा, लॉ ऑफ साइन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी कोई भी जैसे ये इसी ट्राइंगल की बात करो, इस ट्राइंगल की बात करो, ट्राइंगल ए बी सी है, ये है लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक हमने एक फार्मूला निकाल लिया, ठीक है, अब हम एक और ले रहे हैं, यही इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसी ट्राइंगल की बात करें पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन बोलता है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए क्या है साइड की लेंथ है अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी बराबर होता है सी अपॉन साइन सी, ये एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, ए यानी ए साइड की लेंथ
डिवाइड बाई एंगल ऑफ साइन, एंगल ए का साइन ले लो, इक्वल बी साइड की लेंथ डिवाइड बाई एंगल बी का साइन ले लो, इक्वल सी साइड की लेंथ और सी का साइन ले लो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ओ पी एस, ये तो ए बी सी के लिए यह बन गया ना। अगर ट्राइंगल ओ पी एस की बात करें, इसमें ओ पी एस की बात करें, क्या बन जाएगा, आर साइड ले रहा हूँ तो आर अपॉन एंगल ओ पी एस, यानी ए हो तो एंगल ए की बात होगी, आर होगा तो एंगल आर की बात, ओ पी एस एंगल आर के एंगल आर, यानी आर साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, ओ पी एस है। अब इसमें इस ओ पी एस ट्राइंगल में दो है ना आपके, ए साइड बी साइड और ये आर, तो आर अपॉन एंगल ओ पी एस, ऊपर 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 आर अपॉन एंगल, पसीने छूटे पसीने निकले कुछ भी छूटे, आर अपॉन एंगल ओ पी एस इजिकल टू ए अपॉन साइन, अच्छा ए अपॉन क्या हो जाएगा एंगल ए, ये एंगल ए, उसके सामने वाले साइड ओ एस पी क्या हो जाएगी, ए का ए कहाँ पर आपका ए की साइड के ओ एस पी, कहाँ गया भाई ओ एस पी, ओ एस पी, ओ एस पी इसके इस एंगल के सामने वाले, ठीक है, ओ एस पी का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ए के सामने इसका पॉजिटिव हो गया, और इसी तरह बी, बी अपॉन क्या हो जाएगा पी ओ एस, क्या हो जाएगा पी ओ एस, बी के ये सामने ये वाला एंगल, ये वाला बात, ये पूरा नहीं ये वाला, क्योंकि अभी हम ओ पी एस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ साइन अगर ट्राइंगल ए बी सी पर अप्लाई करें तो फार्मूला ये बनता है, और इसी लॉ ऑफ साइन को अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं ओ पी एस ट्राइंगल पर, तो हमारा ये फार्मूला बनता है, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ साइन है, ये लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है।